चलिए इंडिया द बिग स्टोरी में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट काल और चीन से तनाव के बीच में देश को संबोधित किया। देश में कोरोना के कहर के बीच में छठा मौका रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नवम्बर तक बढ़ाने का ऐलान किया। देश में कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक विस्तार देने का ऐलान कर दिया। इसके तहत नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना संकट और सीमा पर चीन के साथ तनातनी के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने चीन के साथ जारी गतिरोध पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कोरोना संकट पर देशवासियों को सतर्कता बरतने की नसीहत दे डाली। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को दी जाने वाली मदद के बारे में देशवासियों को जानकारी दी। पीएम ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देश के 80 करोड़ लोगों को नवंबर महीने तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। इस दौरान पीएम ने कहा कि त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है और खर्चे भी बढ़ाता है, और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी कि नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाए। मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ लोगों को 3 महीने का राशन मुफ्त दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो दाल भी दी गई। बीते 3 महीनों में जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। पीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए ही हो जाता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड का सबसे बड़ा लाभ उन गरीब लोगों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर कहीं और जाते हैं। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे, और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है, बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है, अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर के कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही देशवासियों को अनलॉक के दौरान की जा रही लापरवाही के बारे में आगाह किया। अपने संबोधन में कोरोना संकट को लेकर पीएम ने कहा कि व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर लापरवाही बढ़ती ही चली गई है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर, 20 सेकंड दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना चिंता का कारण है। देश के नागरिकों को सतर्कता दिखाने की जरूरत है, विशेषकर कंटेनमेंट जोन पर हमें ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा।
इस दौरान पीएम ने मास्क ना पहनने पर देश के प्रधानमंत्री पर लगे जुर्माने का जिक्र किया और कहा कि भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधान, कोई भी नियमों के ऊपर नहीं है। देश के नाम अपने संबोधन में पीएम ने इस बार केवल 16 मिनट बोले हैं। ये कोरोना के दौर में पीएम मोदी का अब तक का दूसरा सबसे कम समय का राष्ट्र के नाम संदेश है। इससे पहले कोरोना दौर में पीएम मोदी ने सबसे छोटा 12 मिनट का संदेश 3 अप्रैल को दिया था। तब पीएम ने जनता से 5 अप्रैल को रात में 9 मिनट घरों की बिजली बंद करके दीपक, मोमबत्ती या मोबाइल का फ्लैश जलाने की अपील की थी। एलएसी पर चीन के तनाव और देश में कोरोना संकट के बीच राष्ट्र के नाम दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तक ही अपने भाषण को सीमित रखा। इससे पहले ये उम्मीदें जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तनाव को लेकर भी कोई महत्वपूर्ण बयान दे सकते हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।